गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट वी आर गेदर हेयर फॉर स्टडीइंग। सो टुडे वी विल स्टडी अबाउट द इंग्लिश फॉर क्लास फर्स्ट। फर्स्टली यू शुड ओपन योर बुक्स इंग्लिश चैनल एंड वी विल रिवाइज योर फर्स्ट चैप्टर अ वीक ऑफ जॉय। डू यू नो व्हाट इज द टाइटल ऑफ द योर लेसन? द टाइटल ऑफ योर लेसन इज अ वीक ऑफ जॉय। यू कैन अंडरस्टैंड द मीन्स ऑफ द अ वीक ऑफ जॉय। वीक ऑफ जॉय मीन्स प्रसन्नता से भरा, प्रसन्नता से भरा सप्ताह, खुशियों से भरा सप्ताह या खुशहाली का सप्ताह। आप एक सप्ताह को किस रूप में लेते हैं, कैसे प्रसन्न रहते हैं, प्रत्येक दिन हर एक पल उसे कैसे एंजॉय कर सकते हैं और प्रत्येक दिन का आपकी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और हफ्ते के, वीक के प्रत्येक दिन को आप कैसे एंजॉय कर सकते हैं, इस पोयम के माध्यम से हम आपको बताएंगे। चलिए, आपके टाइटल का नाम है अ वीक ऑफ जॉय। आप जैसे कि जानते हैं अ वीक ऑफ जॉय। सबसे पहले आ मीन्स क्या होता है? एक। वीक मीन्स क्या होता है? सप्ताह। जॉय मीन्स खुशी, प्रसन्नता, खुशहाली। तो इन सभी का मतलब हो गया प्रसन्नता से भरा सप्ताह, खुशियों से भरा सप्ताह या खुशहाली का सप्ताह। इस पोयम के माध्यम से हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि इन योर फर्स्ट लाइन यू कैन सी, आप पहली ही लाइन में देख सकते हैं, हेयर इज रिटन द मंडे इज फॉर मीटिंग बट ट्यूजडे इज फॉर टॉकिंग, वेडनेसडे इज फॉर वेटिंग बट थर्सडे इज फॉर थिंकिंग, फ्राइडे इज फॉर ऑफिसिंग बट सैटरडे इज जस्ट फॉर सिटिंग, संडे इज फॉर सनिंग विद एवरीवन एंजॉयिंग। सो डियर स्टूडेंट्स, यू कैन ऑल्सो रिसाइट द लेसन लाइक दैट। Monday is for meeting, but Tuesday is for talking, Wednesday is for waiting, but Thursday is for thinking, Friday is for signing, Friday is for fishing, but Saturday is just for sitting, Sunday is for sunning, with everyone enjoying. So dear students, in this way you can recite this poem. इस प्रकार से आप पोयम को रिसाइट करेंगे, पढ़ेंगे। चलिए, इससे पहले अभी तो हमने रिसाइटिंग करने के लिए केवल कहा, पढ़ने के लिए कहा, अभी इसका मीन्स या इसको एक्सप्लेन नहीं किया, अभी इसको समझाया नहीं। लेकिन समझाने से पहले इसके कुछ टफ वर्ड जान लेते हैं। जैसे मीटिंग लिखा हुआ है MEETING, मीटिंग। मीटिंग मीन्स क्या होता है? एन असेंबली एंड इंटरव्यू, मतलब किसी से मिलना, मिलना जुलना। किसी से साक्षात्कार करना, किसी से मुलाकात करना, यह आपका मीटिंग का मतलब होता है। दूसरा थिंकिंग, TH INK ING, थिंकिंग।
थिंकिंग मीन्स क्या होता है? थिंकिंग मीन्स सोचना, इमेजिनेशन, थॉट। थिंकिंग मीन्स क्या होता है? इमेजिनेशन, थॉट या फिर सोचना। ये देखिए लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन में, थिंकिंग, इमेजिनेशन और थॉट मीन्स सोचना। फिशिंग मीन्स तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। फिशिंग मीन्स क्या होता है? मछली पकड़ना। फिशिंग मीन्स क्या होता है? मछली पकड़ना। फिशिंग, फिशिंग मीन्स क्या होता है? एफ आई एस एच आई एन जी। फिशिंग मीन्स होता है मछली पकड़ना। मीन्स टू टेक डिलाइट, मछली पकड़ने में जो आनंद आता है, खुशी मिलती है, एक्सपीरियंस, उस मछली पकड़ने में, टाइम पास करने में, मछली पकड़ना इट जस्ट लाइक पासेस द टाइम, जो मछली पकड़ने में टाइम पास होता है, जो उससे आनंद आता है, खुशी मिलती है, उसको फिशिंग बोलते हैं। ठीक है, अब लास्ट है आपका टफ वर्ड इंजॉइंग। इंजॉइंग मीन्स होता है आनंदित होना। ठीक, फिशिंग मीन्स तो आप जानते हैं मछली पकड़ना हो गया, और इसका मतलब हो गया इंजॉइंग का प्रसन्नता, आनंद लेना, खुशी मनाना। ओके, तो चलिए अब हम लेसन को समझते हैं, उस पोएम को समझते हैं। योर फर्स्ट लाइन इन मंडे फॉर मीटिंग, जो सप्ताह के दिन हैं, मंडे, एम ओ एन डी ए वाई, मंडे मीन्स सोमवार। तो सोमवार किस लिए स्पेशल है हम लोगों की लाइफ में? जो मंडे होता है वो सुटेबल होता है किसके किसके लिए उपयुक्त होता है? लोगों से मुलाकात करने के लिए, लोगों से मिलने जुलने के लिए, बैठक बुलाने के लिए, लोगों से मुलाकात करने के लिए। ठीक है, ताकि हम नए नए लोगों से मिल सकते हैं, उनसे मुलाकात कर सकते हैं, ये दिन अच्छा होता है, मंडे इसके लिए स्पेशल होता है। यदि आपको भी कहीं मिलने जाना हो किसी से, तो आप वो दिन सिलेक्ट कर सकते हैं, वो मंडे का हो सकता है। बट ट्यूजडे इज फॉर टॉकिंग, क्योंकि मंडे से मुलाकात होगी, मुलाकात में हाय हेलो होगा, लेकिन यदि कोई टॉपिक पे डिस्कशन करना हो आपका, उससे कोई काम हो, तो आप वह दिन सिलेक्ट करेंगे ट्यूजडे का। वो क्योंकि ट्यूजडे का, ट्यूजडे मीन्स होता है टी यू ई एस टी ए वाई, ट्यूजडे मीन्स मंगलवार। ट्यूजडे जो होता है ज़्यादा सुटेबल होता है टॉकिंग करने के लिए, टॉकिंग मीन्स बातचीत करने के लिए। यदि आपको किसी टॉपिक पे बातचीत करनी है, तो वो आपको ट्यूजडे ज़्यादा अच्छा होगा। सप्ताह के दिनों में ट्यूजडे ही ऐसा दिन होता है जो बातचीत करने के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन यदि आपने किसी को बुला रखा है, या आपको कहीं जाना है, आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, या आपका कोई इंतज़ार कर रहा है, तो वो दिन रखिए हमेशा थर्सडे का, वो दिन रखिए हमेशा, सॉरी, वेडनेसडे का। किसका रखिए? वेडनेसडे का, बुधवार का, डब्ल्यू ई डी ई एन ई एस डी ए वाई, वेडनेसडे। वेडनेसडे मीन्स बुधवार। तो बुधवार का दिन आप किसी का इंतज़ार कर रहे हो तो ज़्यादा अच्छा होता है, या फिर कोई आपका इंतज़ार कर रहा हो तो वहाँ भी आप जा सकते हैं। तो वेडनेसडे सप्ताह के दिनों में इंतज़ार करने के लिए महत्वपूर्ण है। बट थर्सडे इज फॉर थिंकिंग, लेकिन यदि आपके दिमाग में कोई नया प्लान है, कोई नया आइडिया है, कुछ नया करना चाहते हैं, तो यदि आपको प्लानिंग तैयार करनी हो, कोई योजना बनानी हो, तो उसके लिए थर्सडे इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे ऑफ द वीक। तो ये सप्ताह का सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है, यदि आपको कोई योजना बनानी हो, कोई प्लानिंग करना है, उसमें इम्प्लीमेंट करना है, तो थर्सडे इज मोर इम्पॉर्टेंट। इन द सेम वे, यदि आपको टाइम पास करना हो, इंजॉय करते हुए, जैसे मछली पकड़ना या अन्य प्रकार के इंजॉय करना, तो वो दिन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है फ्राइडे का। फ्राइडे इज फॉर फिशिंग, तो मछली पकड़ने के लिए, टाइम पास करने के लिए फ्राइडे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। फ्राइडे, एफ आर आई डी ए वाई, फ्राइडे मीन्स शुक्रवार। इट इज़ आल्सो
अ डे ऑफ द वीक, ये भी फ्राइडे इज द डे ऑफ द वीक, ये भी फ्राइडे भी सप्ताह का एक दिन है। और ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आपको समय पास करना हो, समय गुजारना हो, तो फ्राइडे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन यदि आपका सैटरडे हो तो सैटरडे के दिन आप लोग बैठ सकते हैं, आराम कर सकते हैं, बैठ करके फैमिली के बीच बैठ सकते हैं, दोस्तों के बीच बैठ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। सैटरडे दिन SATURDAY सैटरडे, सैटरडे मीन्स शनिवार, ये बैठने के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, घर परिवार के बीच समय बिता सकते हैं बैठ करके। और संडे, संडे इज फॉर सनिंग। अब जैसे विंटर डे होते हैं, सर्दियों के दिन होते हैं, तो अब जैसे घर में आप लोग कलेक्ट हो जाएं, गेदर्ड हो जाएं, आपको बैठना है, ठीक है, तो आप सनिंग धूप लेते हुए सर्दियों में अपना संडे सेलिब्रेट कर सकते हैं फैमिली के बीच, दोस्तों के बीच, और इसका आनंद ले सकते हैं विद एवरीवन एंजॉयिंग, आपके साथ सभी लोग एंजॉय करेंगे, प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे। सो डियर, अ वीक ऑफ जॉय, यानी सप्ताह के पूरे दिन किस प्रकार से एंजॉय से सेलिब्रेट करना है, प्रत्येक दिन का क्या इंपॉर्टेंस होता है, इस पोयम में हमने जाना। चलिए, यदि कोई प्रॉब्लम हो तो चलिए इसमें देखते हैं, इसकी एक्सरसाइज पे फोकस करते हैं कि हमने इससे क्या सीखा। चलिए क्लियर करते हैं, पेज नंबर 2 एक्सरसाइज टाइम। हेयर इज गिवन दैट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को शॉर्टकट में MCQ क्वेश्चंस बोलते हैं, और इसमें क्वेश्चन से टिक द करेक्ट ऑप्शन, आपको करेक्ट ऑप्शन टिक करने हैं। वो कहता है मंडे इज फिक्स फॉर, मैंने जैसे कि बताया था मंडे इज फिक्स फॉर, मंडे किसके लिए फिक्स किया गया है, मंडे किसके लिए इंपॉर्टेंट है, द वीक ऑफ द डॉय, मंडे इज अ, मंडे किस लिए इंपॉर्टेंट है, उसका क्या महत्वपूर्ण है, इसके लिए मीटिंग के लिए। यू कैन सी मंडे किसके लिए इंपॉर्टेंस है, मीटिंग करने के लिए इंपॉर्टेंस है, तो यू कैन टिक। हेयर इज गिवन दैट 4 ऑप्शंस, टॉकिंग, रेस्टिंग, मीटिंग, एंजॉयिंग, तो आपको पता है मंडे इज इंपॉर्टेंट फॉर मीटिंग, तो आप मीटिंग में टिक कर सकते हैं। इसी प्रकार योर सेकेंड क्वेश्चन इज विच डे ऑफ द वीक इज फिक्स फॉर थिंकिंग, इनमें से कौन सा दिन है जो थिंकिंग सोचने के लिए फिक्स किया गया है, एक सप्ताह बताइए, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा दिन सोचने के लिए फिक्स किया गया है। जैसे कि आप जानते हैं कि योर ऑप्शन इज संडे, थर्सडे, वेडनेसडे, ट्यूजडे। देखिए, आज जैसा कि आप जानते हैं ट्यूजडे आपको थिंकिंग करने के लिए, सोचने के लिए, प्लान बनाने के लिए इंप्लीमेंट करना है आपको, तो वो दिन होगा ट्यूजडे का। फ्राइडे इज फिक्स फॉर, फ्राइडे किस लिए फिक्स किया गया है, फ्राइडे पोयम में फ्राइडे किसके लिए फिक्स किया गया है, जैसे कि आप जानते हैं फ्राइडे किसके लिए फिक्स किया गया है, फिशिंग के लिए। यदि आपको टाइम पास करना है, टाइम पास करने के लिए फिशिंग, मछली पकड़नी है, या अन्य काम करने हैं जो रेस्टिंग मोड में कर सकें, वो फिशिंग में कर सकते, इसमें आपको टिक यहाँ पे करना होगा। विच डे ऑफ द वीक इज फिक्स फॉर सनिंग, आपको मालूम होना चाहिए, धूप लेते हुए फैमिली के बीच, दोस्तों के बीच जब आप टाइम स्पेंड करते हैं, तो वो कौन सा डे होता है, संडे। ये देखिए, इस तरह से आपकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। चलिए हम लोग बी नंबर में आते हैं, टिक फॉर राइट एंड क्रॉस फॉर रॉन्ग स्टेटमेंट्स। देखिए, यदि सही है तो ये टिक राइट का है, राइट मीन्स RIGST, और ये जो
सिंबल है वो रॉन्ग का है, रॉन्ग की स्पेलिंग होती है डब्ल्यू आर ओ एन जी। तो देखिए यदि आपको सेंटेंस पढ़ने के बाद लगे कि राइट है तो इस तरह टिक कर देंगे, यदि आपको इसको रीड करने के बाद सेंटेंस को लगे रॉन्ग है तो इस तरह क्रॉस कर देना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो कम टू द पॉइंट इन बी नंबर। वी डू नॉट गो टू स्कूल ऑन संडे, हमें संडे को स्कूल नहीं जाना चाहिए। यस संडे इज अ हॉलीडे, संडे छुट्टी का दिन होता है तो क्यों जाएंगे। चलिए ये बात सही है तो आप सही में टिक कर दीजिए। वी शुड नॉट इंजॉय विद एवरीवन, हमें सभी के साथ इंजॉय नहीं करना चाहिए। ओहो ऐसा होना चाहिए हमें सभी के साथ इंजॉय नहीं करना चाहिए। नो डियर वी आर इंडियंस, हमें सभी के साथ इंजॉय करना चाहिए। इट मीन्स यू कैन टिक हियर आल्सो। ट्यूजडे इज फॉर थिंकिंग, जो ट्यूजडे होता है वो थिंकिंग करने के लिए होता है, सोचने के लिए होता है, अपनी जो आप सोच रहे हैं उस पर इम्प्लीमेंट करने के लिए होता है। दिस इज अ करेक्ट, इस पर भी टिक कर सकते हैं। संडे इज फॉर सनिंग, और संडे जो होता है एंजॉय करने के लिए होता है, फैमिली के बीच में, दोस्तों के बीच में, या एवरीवन कोई भी आपका चाहने वाला हो, पसंद करने वाला हो, उसके साथ भी आप कर सकते हैं। तो इस मीन्स दिस वन इज आल्सो राइट। ओके डियर योर सी नंबर इज फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स मीन्स क्या होता है डियर, तो मैं आपको बताऊंगा फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स मीन्स होता है, फिल मीन्स होता है भरो। फिल मीन्स क्या होता है भरो। ब्लैंक्स मीन्स होता है रिक्त स्थान। ब्लैंक्स मीन्स क्या होता है रिक्त स्थान, रिक्त स्थान को भरना है। खाली स्थान भरो या रिक्त स्थान भरिए। तो देखिए जैसे कि था वी कैन होल्ड मीटिंग ऑन, आप मुलाकात कब कर सकते हैं, मंडे को, तो आप मंडे भर देंगे। वेडनेसडे इज फिक्स फॉर, वेडनेसडे किस लिए है, वेटिंग के लिए, ये लीजिए वेटिंग फिक्स कर दीजिए। ओके डियर, और वी कैन गो फॉर फिशिंग ऑन, हम कब जा सकते हैं फिशिंग करने के लिए, फ्राइडे। फ्राइडे कब जा सकते हैं, एफ आर आई डी ए वाई फ्राइडे, फ्राइडे में जा सकते हैं। तो फ्राइडे में जा सकते हैं आप लोग। वी कैन गो फॉर फिशिंग फ्राइडे, और वी कैन इंजॉय सनी ऑन, हम सनिंग ऑन कर कब कर सकते हैं, संडे को, तो एस यू एन डी ए वाई संडे। ओके डियर, ओके नाउ योर डी नंबर इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन मीन्स होता है निम्नलिखित क्वेश्चन के आपको क्या करना है, आंसर देना है। क्या देना है, आंसर देना है। जो नीचे दिए गए क्वेश्चंस हैं आप उनको पढ़िए समझिए, और पढ़ने समझने के बाद आंसर दीजिए। जैसे व्हाट कम्स बिफोर सैटरडे, सैटरडे से पहले क्या आता है, तो आपको सीधे सीधे लिख देना है सैटरडे से पहले फ्राइडे। क्या लिख देना है, फ्राइडे एफ आर आई डी ए वाई फ्राइडे। फ्राइडे कम्स बिफोर सैटरडे एस ए टी यू आर डी ए वाई फ्राइडे कम्स बिफोर सैटरडे। ओके डियर, अब इसी को हम लोग आगे बढ़ते हैं। What comes between Tuesday and Thursday?
व्हाट मीन्स क्या, कम्स मीन्स आता है, बिटवीन मीन्स बीच में, ट्यूजडे मीन्स मंगलवार और थर्सडे मीन्स गुरुवार, थर्सडे और गुरुवार के बीच में क्या आता है तो वेडनेसडे। क्या आता है? वेडनेसडे, डब्ल्यू ई डी एन ई एस डी ए वाई। सो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वे यू कैन डू होल एक्सरसाइज। वेयर एवर यू फील्स एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, यू कैन डिस्कस मी इन द डिस्कशन मीटिंग और यू कैन ऑल्सो कॉन्टेक्ट मी इन माई मोबाइल नंबर्स। ओके डियर, बाय एंड सी यू।